तुमको करना है या नहीं करना है। पर हाँ ये चीज़ मैं बोलूँगा कि कैलकाटा में मैंने फेस किया है जब मैं एज ए मॉडल था। तो बहुत सारी चीज़ें होती जर्नी पे निकल जाते तो बहुत सारी मुश्किलें होती है, इश्यूज आते हैं। बट सपोर्ट जैसे आपने कहा कि अपनी मम्मी का सपोर्ट मिला, मम्मी का सपोर्ट मिला, दोस्तों का भी सपोर्ट मिला, वो एक बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपको पकड़ के रखता है कि यार ये जर्नी है तो इसको कंप्लीट करना ही है किसी ना किसी तरह से और बस चल पड़ना है। क्या कुछ जहन में आता है जब फ्लैश बैक में आप उड़ के देखते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ होगा और आज इस मुकाम पे आकर कुछ ना कुछ कम से कम इंडस्ट्री में कुछ आज बने हैं आप, तो इसको तो मैं अगर ऐसे बोलोगे भाई तो मैं जब स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे आया हूँ और फेस किया हूँ तो मैं बस एक ही चीज़ था कि मेरा फोकस था अपने एक्टिंग पे, उसके अलावा कुछ नहीं, बस वही आगे बढ़ना है। अच्छा बाकी चीज़ मेरी माँ को बुला दिया जाए थोड़ा मेरे को ज़्यादा वहाँ। ये मेरी अम्मी है। जब आपसे कहा गया था कि एक्टर बनना है, आप बड़े नहीं, वो तो मेरे माइंड में था कि चलो मेरे लड़के की खुशी थी तो इसका साथ देना। लगने कभी रोक टोक नहीं किया? नहीं, रोक टोक तो करना चाहा लेकिन फिर अपने बच्चों से हार जाता हूँ ना इस साथ। बचपन से ही बचपन से ही इसको शौक था और आज भी यही चाहती हूँ कि ये मेरे साथ ही रहे। देखो नहीं, राही के लिए तो सपना ही देखते कि हमारा लड़का जो भी चाहता है उसकी पूरी हो तमन्ना, आगे बढ़े वो। नहीं, चाहा तो बहुत है हम, मतलब जो हम तो मुस्लिम हैं तो मालूम है, लेकिन यह है कि हम तो ये चाहते थे कि ये हाफिजा हो हम लोग के लिए, लेकिन वो तो नहीं हो पाया है। आज इनकी दिली तमन्ना थी कि हमको ये लाइन पकड़ना है, हमको एक्टिंग करना, हमारा दिल उसी में है, तो हमने कहा ठीक है। हाँ, मैंने कैलकाटा में एक सयान बनर्जी और पुष्पिता गोस्वामी है जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे सीखा हूँ। ज्यादातर पहले तो सभी को सपोर्ट किया, सबको मतलब वो था, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, हमको हार्ट का वो है, तो अब ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि अपना लड़का आपके पास रहे, जो सामने रहे। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग और कुछ नहीं। जैसे आपने कहा कि जो है बॉलीवुड में आप कदम रखने वाले, ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे और उनकी कोई फिल्म का अगर जिक्र करना चाहें आप? मैं ज़्यादातर सोचता हूँ साजिद खान के साथ, और सेकेंड है आपका नहीं ईरानी नहीं रोहित सिम्बा। सिम्बा तो अभी तक देखा नहीं। सभी का ड्रीम है, अब शाहरुख खान तो बन नहीं सकता अब मैं। मैं अभी कोई भी डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, मैं अभी कोई भी डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ उस चीज़ के बारे में। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, पर उसका अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ कुछ भी, वो तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। मेरा वेब सीरीज में एक कैरेक्टर था, सेकंड लीड कैरेक्टर था, कैलकाटा बिंगोली का था, और म्यूजिक वीडियो था मेरा, खुद लीड कैरेक्टर भी है, एज ए चैनल है उसका फिल्म एक्सेस यूट्यूब का, और वहाँ पे
काम किया है, फीचर फिल्म बॉस किया है काम देव के साथ, जो नामी इंडस्ट्री में है बॉलीवुड वहाँ पे, तो कैलकटा बंगाली इंडस्ट्री में। ऑडियंस को मैं क्या मैसेज, ऑडियंस के पास यही मैसेज कर सकता हूँ कि हम लोग क्या एक्टर हैं और कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ इन लोग का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या सर? मेरा स्कूल का नाम है सेंट स्टेफेन स्कूल, कैलकटा में। आप नर्वस कुछ ज्यादा ही हो रहे थे। हाँ Thank you, sir.